अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मेरा नाम गुलाम हुसैन है और कंपैरेटिव इंग्लिश विद गुलाम हुसैन के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो सीरीज़ है CSS, PMS और वन पेपर के लिए, उसमें आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस बनाते हुए बहुत सारे बच्चे जो है वो सेंटेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं। सेंटेंस के बैलेंस के वेटेज को बरकरार रखने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और उसके अंदर मीनिंगफुल क्लैरिटी लाने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, पैरेललिज्म भी कहते हैं। इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस और वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव टाइप, ये सारी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट एक ही लिखा है और उसके आगे वर्ब तीन से चार वर्ब दे रहे हैं, तो उनकी फॉर्मेशन, उनकी वर्ब की फॉर्म्स या उनकी जो वॉइस है या जो उनका केस है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। इन द सेम वे, अगर आप एक शख्स की दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं तो आप उनकी दोनों क्वालिटीज़ को सेम डिग्री के एडजेक्टिव में डालेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन बता रहे हैं तो अगर डिफरेंट एक्शंस हैं उनके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगे हुए तो डिफरेंट लगेंगे, अगर एक ही प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो वो ओमिट हो जाएगा, एक दफ़ा लगेगा। हम इसको देखते हैं सेंटेंसेस की मदद से। पहले हमारे पास है जी, पहला जो फिक्रा है वो है प्लेयर्स लाइक रनिंग, जंपिंग एंड टू स्विम फॉर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने ing फॉर्म यूज़ की है, जेरंड फॉर्म यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे उसने इन्फिनेटिव यूज़ किया है जिससे पूरा सेंटेंस डिसबैलेंस हो गया। अगर यहाँ पे स्विमिंग होता तो ये फिक्रा बिल्कुल करेक्ट होता, और यहाँ पे स्विमिंग लगाकर आप इसको पैरेलल कर देंगे तो ये इस तरह से होगा, प्लेयर्स लाइक रनिंग, जंपिंग एंड स्विमिंग फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट आपके पास सेम है और आगे वर्ब मुख्तलिफ किस्म के हैं तो उसमें वर्ब की फॉर्म्स जो होंगी वो आपने सेम लिखनी है। बॉयज प्लेड द क्रिकेट एंड लीव द ग्राउंड, ये भी वर्ब की फॉर्म है कि यहाँ पे उसने पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया है, जबकि एक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो अब इसको इस तरह करेंगे, बॉयज़ प्लेड द क्रिकेट एंड लेफ्ट द ग्राउंड, बॉयज़ प्लेड द क्रिकेट एंड लेफ्ट द ग्राउंड। उसके बाद तीसरा सेंटेंस आप लोग देख लें, फूड वॉज ईटन, गिफ्ट्स वर प्रेजेंटेड। अब ये पैसे वाइज फॉर्मेट है, ये भी पैसे वाइज है, एंड दे सिंग सॉन्ग्स, ये आगे एक्टिव वॉइस में आ गया है। तो जब आप सारी सेंटेंसेस के सारे जो पार्ट्स हैं वो पैसे वॉइस में दे रहे हैं और एंड से जोड़कर आगे एक्टिव वॉइस दे रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम ये आएगा, songs were sung, ठीक है, मतलब इस तरह से आप उसको पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। इन द सेम वे जब आप चौथा फिक्रा इसमें देखें, लिटरेचर कंसिस्ट्स ऑफ कॉमेडीज, नॉवल एंड ड्रामा, ये नाउन की पैरेललिज्म है। इसमें आपने फर्स्ट में प्लूरल इस्तेमाल किया जबकि आगे दोनों में सिंगुलर इस्तेमाल किया जो कि पैरेलल रूल के ख़िलाफ़ है, ये भी आपने सिंगुलर यूज़ किया। तो यहाँ पे ये ड्रामास हो जाएगा, ये नॉवल्स हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से नाउन की लिस्ट बता रहे हैं, सीरीज़ बता रहे हैं, तो आपने उस सीरीज़ को या तो सिंगुलर रखना है या प्लूरल रखना है, और वो एंड से जुड़ी हुई हैं, कॉमा से जुड़ी हुई हैं, उनको आपने सिंगुलर या प्लूरल रखना है। पाँचवें नंबर पर देखिए, ही इज़ मोर ऑनेस्ट एंड प्रोमाइजिंग। जब आप एक नाउन की या प्रोनाउन की, एक शख्स की दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं, एक को आप कंपैरेटिव बता रहे हैं और एक को आप पॉजिटिव बता रहे हैं, तो दूसरी को भी आप कंपैरेटिव कर देंगे, मोर ऑनेस्ट एंड मोर प्रोमाइजिंग। जब भी कभी आपने एडजेक्टिव की डिग्री इस्तेमाल करनी हो तो अगर एंड में, दरमियान में एंड इस्तेमाल हुआ और दोनों में, दरमियान में एक में पॉजिटिव है एक में कंपैरेटिव है, तो दोनों को कंपैरेटिव कर दें या फिर दोनों को पॉजिटिव कर दें। छठा फिक्र देखें जी, शी इज़ द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट गर्ल ऑफ ऑल,
यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर आप इस तरफ एंड से दो क्वालिटीज को जोड़ रहे हैं और दोनों तरफ में आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सातवें नंबर पे देखें जी, अली प्रेजेंटेड द केस केयरफुली एंड इफेक्टिवली, ये एडवर्ब है। अगर आपने यहाँ पे एडवर्ब की फॉर्मेट लिखी हुई है, दो एडवर्ब्स यूज किए और एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों की फॉर्मेशन, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी। ये एल वाई वाले एडवर्ब्स हैं तो एल वाई वाले एडवर्ब्स आएंगे, इसमें सिमिलर एडवर्ब देंगे। उसके बाद आठवें सेंटेंस में देखें, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। ये रिटोरिक में जब आप रेपिटेशन करते हैं बात का, मतलब इसमें रेपिटेशन है आई का और ये वर्ब आगे डिफरेंट है, तो आई का जो है वो रेपिटेशन है। रिटोरिक में जब आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते होते हैं तो आप फिर रेपिटेशन करते हैं, और रेपिटेशन भी पैरेलल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इजी कम इजी गो, ठीक है, इजी कम इजी गो। इसी तरह अगर आप खुद से कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें आप रिपीटेडली आप कोई ऐसा वर्ड या ऐसा कोई वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनकी फॉर्म्स और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह से ये। अब ये क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इजी कम इजी गो जो है ना इम्पेरेटिव बन गया। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रहे हैं तो आगे भी इम्पेरेटिव दें, अगर आप उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे रहे हैं तो उस आगे भी सब्जेक्ट और वर्ब दें। नाइन नंबर पे है जी, द फ्रूट बास्केट इज ऑन द टेबल, इन द कैबिनेट एंड अंडर द बेड। अब आप यहाँ पे देख लें, तीन प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हुए हैं, ऑन, इन एंड अंडर। अगर यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है और यहाँ पे भी ऑन है तो सिर्फ एक दफ़ा ऑन आएगा, बाकी आगे आप उसी तरह से इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह हम इसी को रिपीट करेंगे नेक्स्ट इस सेंटेंस में, द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू टॉक टू द प्रिंसिपल टू गेट द परमिशन एंड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अब ये जो टू है ये सेम प्रेपोजिशन है और रिपीट हो रहा है तो आप इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, फर्स्ट टाइम इसको लिखकर तो आगे आप इसको ओमिट कर दें। द स्टूडेंट वांट्स टू टॉक टू द प्रिंसिपल, गेट परमिशन एंड पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद 11वां नंबर पे सेंटेंस देखें, द पुअर वांटेड फूड, क्लॉथ्स एंड टू बी शेल्टर्ड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने फूड लिखा है, क्लॉथ्स लिखा है, एंड के बाद उसने इसको पैसिव वॉइस फॉर्म टू बी दे दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। जब यहाँ पे फूड क्लॉथ लिख रहे थे तो यहाँ पे शेल्टर आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था। तो नाउन की फॉर्मेशन अगर आप सीरीज में नाउन दे रहे हैं और आगे उसकी आप शेप चेंज करके उसको वर्ब की सूरत में, पैसिव वॉइस में या किसी और फॉर्म में देना चाहते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। इन द सेम वे नंबर 12 देखें, टू वॉक इज बेटर देन रीडिंग। एक तरफ आपने इन्फिनेटिव दिया, एक तरफ आपने जरंड दिया, ये मैं अपनी एक पहले वीडियो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर यहाँ टू वॉक है तो यहाँ भी टू वॉक आना चाहिए, अगर यहाँ पे वॉकिंग है तो यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए। कंपैरेटिव एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर आप इस तरफ इन्फिनेटिव दे रहे हैं तो आगे भी इन्फिनेटिव होना चाहिए, इस तरफ अगर आप जरंड दे रहे हैं तो आगे भी जरंड होना चाहिए। 13 नंबर पे देखें, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो ही इज इंटेलिजेंट। फिर ये ही इज क्यों लगा है, जब आपने बट नॉट ओनली के बाद ऑनेस्ट लगाया तो बट आल्सो के बाद इंटेलिजेंट आना चाहिए, ही इज का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली और बट आल्सो, जो स्ट्रक्चर आपने नॉट ओनली के बाद यूज किया है वही स्ट्रक्चर बट आल्सो के बाद यूज करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स में मैं चार फिक्रे आपको ड्रॉप करता हूँ करेक्शन के लिए, उनको करेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।